राजस्थान में हो रहे उपचुनाव में वल्लभनगर विधानसभा का चुनाव विशेष चर्चाओं में देखा जा रहा है। दोनों राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस को राजस्थान की छोटी राजनीतिक पार्टियां आरएलपी व जनता सेना जबरदस्त टक्कर दे रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चारगदिया में हुई आम सभा में पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल की हुंकार से राष्ट्रीय दलों की भी नींद उड़ गई। हनुमान बेनीवाल आज अपने अंदाज में नजर आए। वे सभा स्थल पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की तरह हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उन्हें सुनने हजारों की संख्या में आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी के समर्थक सभा में पहुंचे। सांसद बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए अपनी गर्जना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को विशेष रूप से आड़े हाथों लिया। बेनीवाल ने अपने उद्बोधन में यह तक कह डाला कि यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता आरएलपी के किसी कार्यकर्ताओं को डराता है तो वह मुख्यमंत्री गहलोत को डराने की हिम्मत रखते हैं, और भाजपा का कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ताओं को आंख दिखाएगा तो वह लोकसभा में मोदी को भी डराने की हिम्मत रखते हैं। बेनीवाल ने अपनी सभा में अशोक गहलोत व वसुंधरा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए वल्लभ नगर में शक्तावत परिवार के वंशवाद पर विशेष निशाना साधा। लीजिए सुनते हैं आरएलपी की सभा में क्या कुछ कहा सांसद हनुमान बेनीवाल ने। भाइयों, 7 तारीख से लेकर अभी तक पिछले 20 दिन से ज्यादा का समय, और उस समय के अंदर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 36 कौम के मेरे भाइयों ने, किसान, जवान और मातृशक्ति ने जो समर्थन उदयलाल जी डांगी को दिया है, और 12 तारीख को जो वल्लभनगर के अंदर विशाल रैली हुई, उससे 2 से 2.5 गुना तादाद के अंदर आज आपने चारगदिया के अंदर आके उस रैली का लाइसेंस वापस रिन्यू कर दिया। आपने संदेश दिया कि 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं उदयलाल जी डांगी भावुक हो गए थे मन से, और चूंकि जो आदमी लगातार अपना पूरा परिवार, पूरी जिंदगी किसी पार्टी की सेवा में निकाले और पार्टी उस आदमी की अहमियत नहीं समझे, यही बीजेपी थी जो 20,000 से आगे नहीं बढ़ रही थी, उसे 47,000 तक ले गए उदयलाल जी, एन वक्त पे इनका टिकट काटा। मैं धन्यवाद दूंगा रावत समाज को, चित्तौड़ के सर्किट हाउस के अंदर तमाम रावत समाज के नेता आए, मुझे बोले कि कांग्रेस और बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया, टिकट तो हमें देना चाहिए, तो मैंने कहा मैं तो दे दूंगा, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि भाई साहब, उदयलाल जी का टिकट कटने के बाद रावत समाज भी परिवर्तन चाहता है, आप उदयलाल डांगी को आरएलपी का उम्मीदवार बनाओ। भाइयों, रावत समाज और अन्य समाजों के कहने के बाद मैंने उदयलाल जी से संपर्क किया, मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया, और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान की टीम को, जो अपने अपने तरीके से यहां गांव गांव डाणी डाणी घूम के इस चुनाव को परवान चढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो 4थे नंबर पे चली गई, कांग्रेस और दूसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जरूर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो जन सैलाब किसानों का, दलित, शेड्यूल ट्राइब और 36 कौम के लोग चारगदिया के अंदर तेजाजी महाराज के इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए, आपने मन बना लिया, आपने तय कर लिया कि वल्लभनगर का विधायक किसान का बेटा होगा, उदयलाल डांगी होगा, ये आशीर्वाद देने के लिए आप यहां बैठे हो। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, यह सही बात है कि मारवाड़ में 7-8 घंटे लेट तक इंतजार करते हैं। जब मैं मेवाड़ के अंदर आया था, उदयलाल जी चिंतित हो गए थे, हनुमान जी सारे वक्ता बोलते हैं फिर मेरे लोग परेशान हो जाते हैं, 7-7, 8-8 घंटे बैठते हैं, तो मैं उदयलाल जी का ही पहला चुनाव है जिसमें मैं टाइम से वोट मांगने आया हूं, पहले मैं भी लेट ही चलता हूं राजस्थान के अंदर, लेकिन इनके कहने से मैं जल्दी उठना भी शुरू हो गया और वोट मांगने भी फटाफट पहुंच जाता हूं। मैं धन्यवाद बच्चों को इस बात का भी दूंगा कि पूरे चुनाव के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से नौजवान किसान
के साथ साथ हमारी महिला मोर्चा की टीम, ये सारे बच्चे गांव गांव ढाणी ढाणी जाके अलग टोलियां बना के माताओं बहनों को जगाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हजारों की तादाद के अंदर माताएं बहनें भी उदयलाल जी को समर्थन देने के लिए आई है। भाइयों, उदयलाल डांगी इस मेवाड़ के अंदर किसान, गरीब, मजलूम और जवान की उम्मीद है। इनके घर के दरवाजे 36 कौम के लोगों के लिए खुले हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर उदयलाल जी जीत के जाएंगे, उनकी इतनी चलेगी जितनी कांग्रेस के विधायकों की चलती है, ज्यादा चलेगी, कम नहीं चलेगी, यह मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। यह एसडीएम थानेदार डिप्टी वही लगेंगे जो ये चाहेंगे, और इनके चाय के बिना लगेंगे तो उनको मैं आके हटवा भी दूंगा वापिस, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैंने बल्लभ नगर के अंदर एक बात देखी, थाने और तहसील के सामने जाने से लोग डरते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, लेकिन आपको अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए। ये पुलिस वाले भी अपने ही भाई है, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट है, इनको गरीबों का शोषण करने में बहुत आनंद आता है, पैसे वाले पर हाथ नहीं डालते। तो भाइयों, इस व्यवस्था को भी बदलना है। अब व्यवस्था बदलने के लिए कोई लोक देवता उतार नहीं लेंगे, आपको खुद को ही अपनी ताकत को पहचानना है। यहां जिस तरीके से जवानों के साथ किसान और माताएं बहनें दिख रही है, चुनाव जीत के नजदीक है, 3 दिन का समय और है हमारे पास। मैं आह्वान करता हूं बूथ सम्मेलन के अंदर जो लोग मेनारगढ़ होटल के अंदर आए थे, उन्होंने प्रण लिया था, आज इस सभा समाप्ति के बाद सब लोग धीरे धीरे गाड़ियां चलाते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, और उसके बाद रात को 27, 28, 29 की रात को भी रखवाली करनी है। कोई कांग्रेस वाले कोई बदमाशी नहीं करे गांवों के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना। या कई तरह का सिस्टम देखा मैंने, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि मेवाड़ के लोग राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर सीधा इलाका है वो मेवाड़ का इलाका है, और मेवाड़ और मारवाड़ का हमेशा प्रगाढ़ संबंध है राजस्थान के अंदर, चाहे अपन इतिहास उठा के देखें। मैं भी मारवाड़ की धरती से आता हूं, और मैं जब उदयलाल जी के साथ खड़ा था, ये उस दिन चिंतित हो रहे थे कि आप पूरा टाइम दोगे कि नहीं दोगे। मैंने कहा मैं पूरा टाइम भी दूंगा, आपके आसपास खड़ा रहूंगा, मेरे तीनों विधायक रहेंगे, सारे मोर्चों का अध्यक्ष रहेंगे, सारे आरएलपी के नेता रहेंगे, और बीजेपी, कांग्रेस, जनता, सेना के नेताओं को भी तोड़ तोड़ के मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा यहाँ पे। और भाइयों, मैंने इनको यह भी कहा कि 2 तारीख को आपका जुलूस निकलवा के, उदयपुर से जुलूस नहीं निकलता, वो जबरन निकालेंगे जुलूस भी निकाल के, और आपको अपने स्थान पे छोड़ के जाऊंगा, और कहोगे तो असेंबली के अंदर भी मैं आपको असेंबली तक छोड़ने जाऊंगा जयपुर, ये भी मैं कर दूंगा। भाइयों, वल्लभ नगर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की बढ़ी हुई दरों से राजस्थान की जनता परेशान है, बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ का घाटा बता रही है। 1 लाख करोड़ का घाटा किसने किया? ये घाटा मंत्रियों ने, आईएएस अधिकारियों ने, नेताओं ने मिलकर कभी महंगी दर पर बिजली खरीदी, कभी अपने चेतों को ठेके दिलाए, इसलिए बिजली कंपनियों का घाटा हो गया। किसान तो 10,000 करोड़ का अगर अतिरिक्त रेवेन्यू दो तो फ्री बिजली राजस्थान के किसान को दे सकते हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान के किसान जवान को न्याय दिलाने के लिए इस वल्लभ नगर के चुनाव के बाद जोधपुर की धरती से बड़ी हुंकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भरेगी। लाखों तादाद के अंदर जोधपुर से हम संदेश देंगे कि राजस्थान के किसान का संपूर्ण 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करो, कर्ज मुक्त किसान हो राजस्थान के अंदर। भाइयों, दूसरी हमारी मांग रहेगी कि फ्री बिजली किसान को दो और आधी दर पे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दो। तीसरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग होगी, रोड टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर
24 भाजपा के एमपी है, एक आरएलपी का एमपी है। भाजपा वाले कभी नहीं बोल सकते महंगाई के खिलाफ। अगर महंगाई के खिलाफ लोकसभा के अंदर आवाज उठाता है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल आवाज उठाता है कि पेट्रोल डीजल की दरें कम करो। और भाइयों मैं भरोसा दिलाता हूं, अब की हुंकार और ललकारों से इस अशोक गहलोत को भी झुकना पड़ेगा। जिस तरह पिछली बार वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री की थी। मैं कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई, दिल्ली भी फेल हो गई, वेंटिलेटर रेमडेसिविर ऑक्सीजन के अभाव के अंदर बहुत से बच्चों ने दम तोड़ दिया, हमारे बीच से लाखों जवान किसान चले गए, वो भरपाई हम नहीं कर सकते। और सरकारों ने क्या किया, बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत पर आरोप लगाते हैं और गहलोत बीजेपी पर आरोप लगाता है और शाम को वसुंधरा और गहलोत चीयर साथ ही कर लेते हैं कई बार। तो भाइयों ये हालात राजस्थान के है, तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए आपको सोचना होगा, समझना होगा। 70 साल की व्यवस्था आपने देखी और 23 साल गहलोत वसुंधरा का गठबंधन भी राजस्थान के अंदर देखा। जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तो नारे लगता था राजस्थान के अंदर, 8 PM नो CM सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारे लगे राजस्थान के अंदर। और गहलोत के टाइम भी नारे लगे, जब बेटा हार गया जोधपुर के अंदर डिप्रेशन में चले गए गहलोत साहब, क्योंकि घर में रोज बच्चे कहते हैं कि दादाजी दादाजी आपने मेरे पापा को हरा दिया, तो डिप्रेशन तो आएगा ही निश्चित रूप से। वो उनके बेटे को हराने का काम भी मैंने ही किया था जाके, आपको ध्यान है कि नहीं, वो गठबंधन करके और उनको उनके घर के अंदर जाके हराया। लेकिन अशोक गहलोत का ये शासन पूरी तरीके से फेल है, संवेदनहीन सरकार है। लोग सब लेके 10-10 दिन बैठे रहते हैं थानों के बाहर, कोई सुनने वाला नहीं है। भाइयों अगर आम आदमी गरीब आदमी कोई सुनने वाला है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान विधायक और सांसद आम आदमी गरीब आदमी की आवाज बनके विधानसभा और लोकसभा के अंदर मामले उठा रहे हैं। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जवान रोजगार चाहता है, लेकिन रोजगार मिलेगा कहां से? RPSC एग्जाम कराती है, कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम कराता है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर पहले ही दिन बाहर आ जाते हैं। और मंत्रियों के बयान आते हैं कि CBI जांच इससे नहीं कराएंगे हमारा CBI का दुरुपयोग हो जाएगा। अरे CBI का दुरुपयोग हो जाएगा तो आप SOG का उपयोग कर लो, SOG का उपयोग भी तो आप उन नेताओं के खिलाफ मुकदमे करते हो जो गहलोत के खिलाफ बोलता है। ये दुरुपयोग उपयोग इन लोगों ने तय कर लिया। अरे बच्चों बैठो, एक बार बैठो भाइयों, इस 70 साल की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर गहलोत और वसुंधरा से पहले मुख्यमंत्री और भी लोग हुए थे, लेकिन बदले की राजनीति कभी किसी ने नहीं करी। ये तो बदले की ऐसी राजनीति करते हैं और ऐसा इनका गठबंधन है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने 1 दर्जन विधायक भेज के गहलोत की सरकार को बचाई। यह नारे लग रहे राजस्थान के अंदर, गहलोत रजाई से बाहर आओ, रजाई उठ के सो गया, गहलोत धृतराष्ट्र बन गए, अपने बेटे को MLA जीतन देंगे। और मैं इस बार यह भी कहना चाहूंगा कि वसुंधरा का बेटा भी झालावाड़ से इस बार जीत के दिखाए, उसकी सांसें ऊपर कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला के ये भी जा रहा हूं। इनके बेटों को इस तरह ये वंशवाद परिवारवाद जो बल्लभ नगर के अंदर चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, 50 साल इन्होंने राज किया बल्लभ नगर में, मुझे विकास नजर नहीं आ रहा है, विनाश नजर आ रहा है हर तरफ, कानून के भय के अंदर, पुलिस के खौफ साये के अंदर लोग जी रहे हैं। लोग रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, यहाँ कोई संसाधन नहीं, यहाँ कोई रोजगार नहीं। मैं इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि अगर उदयलाल जी विधायक बन के गए तो बल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार भी होगा और 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यह भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। मैंने देखा अभी उदयपुर के अंदर हेलीकॉप्टर से देखा ऊपर से कि कितनी जमीनें खोद ली, अवैध माइनिंग कर ली इन बड़ी कंपनियों से। भाइयों इनको जिता दो, उनका सारा पैसा वसूल करा दूंगा और कंपनियों वालों का दिमाग भी ठीक कर दूंगा यहाँ आके, ये जो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। और रोजगार इसलिए नहीं दे रही है कि कांग्रेस BJP के नेता तो इन कंपनियों के मुनीम हैं, उद्योगों में अपने ट्रांसपोर्ट का ठेका ले लेते हैं, कोई किसी को मैनेजमेंट को अंदर
अधिकारी लगा दिया, किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, सारे सारे नेता इसी काम में लगे, इसलिए जनता परेशान है। अब आपको सोचना है, समझना है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई। बल्लभ नगर क्षेत्र के अंदर अच्छी किस्म की अफीम का उत्पादन होता है। नीमच, चित्तौड़ और उदयपुर का इलाका जो मालवा कहलाता है, कोटा डिवीजन, भाइयों इस मालवा के इलाके के अंदर अफीम उत्पादक किसान तकलीफ के अंदर है, वो आत्महत्या कर रहा है। उसका कारण है कि सरकारी तंत्र उसको परेशान कर रहे हैं। पहले तो उनके पट्टे निरस्त किए, फिर पट्टों का जो क्षेत्रफल है वो कम किया, और उसके बाद अब ये कर दिया, जो छिलके आते हैं जिसको डोडा पोस्ट कहते हो, कह रहे साहब किसी ने अगर जमीन में डोडा पोस्ट दबा के खत्म किया, बोले नहीं नहीं वापस लाओ डोडा पोस्ट, नहीं तो आप पे मुकदमा दर्ज करेंगे। ये कौन सी नीति है? मैं भरोसा दिलाता हूं, इस नीति के अंदर बदलाव करेंगे, अफीम के पट्टे भी दिलाएंगे, और बदलाव देश की सरकार करेगी जहां हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर बैठता है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अफीम नीति में बदलाव करा के बल्लभ नगर चित्तौड़ के किसानों को राहत दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। भिंडर के अंदर भी मेरे पास एक बात आई थी कि भिंडर में किसी जमीन पे कब्जा कर लिया, हॉस्पिटल की कोई जमीन, अस्पताल की जमीन थी ना उदयलाल जी, नहीं नहीं अस्पताल और शमशान की जमीन है जो दान कर रखी है, उन पे काबिज हो गए लोग। मैं विश्वास दिलाता हूं उदयलाल जी की जीत के बाद कब्जाधारी इधर उधर भागते नजर आएंगे आपको, बल्लभ नगर उदयपुर और जयपुर के बीच के अंदर जमीनें खाली कराएंगे। बिंडर और आसपास का इलाका मैंने तमाम विधानसभा क्षेत्र को देखा, अंबा की तलाई गांव के अंदर जब मैं पहाड़ पे पहुंचा, हमारी 4x4 गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पा रही थी, पथरीले इलाके के अंदर। जब मैंने पूछा कि बच्चों को पढ़ाने भेजते हो, तो माता पिता बोले पढ़ाने कैसे भेजें, स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है, अगर बच्चा पढ़ने जाएगा तो जंगली जानवर उसको उठा के ले जाएगा। भाइयों कौन सी आजादी है? अगर ये आजादी है, ये तो अंग्रेजों के हिसाब की आजादी, मुझे तो कहीं आजादी नजर नहीं आ रही है, इसको हम आजादी नहीं कह सकते। आजादी तो वो होती है जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार का कानून भी दिल्ली की सरकार ने बना दिया, राजस्थान की सरकार ने बना दिया, लेकिन गरीब दलित ट्राइबल और किसान के बेटे को कैसे पढ़ाओगे, ये व्यवस्था सरकार को करनी है। चाहे पहाड़ों पे आप जो हमारी वैन चलती है जो पढ़ाने के लिए उन जगहों पे जाती है, जो गरीब बच्चे होते हैं, भील समाज के हमारे बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं है। मैं तमाम समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल तमाम समाजों के लिए लड़ेगा। भाइयों मेवाड़ का इतिहास की बात करें तो महाराणा प्रताप के लिए अगर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो राणा पूंजा भील ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन राणा पूंजा भील के वंशजों को भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि जो लड़ाई पूंजा भील ने लड़ी थी उनकी कई प्रतिमाएं मुझे तो नजर नहीं आ रही राजस्थान के अंदर। क्या गोपाल जी लगी क्या प्रतिमा? मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी प्रतिमाएं भी लगेगी, और भील समाज, रावत समाज, तमाम समाजों को, ट्राइबल के मेरे भाइयों को, दूसरे दलित समाजों को साथ लेके, ओबीसी के भारत सारे भाइयों को साथ लेके, ब्राह्मण समाज को साथ लेके, एक नए विकास के पथ पर हम बल्लभ नगर को लेके जाएंगे। भाइयों राजनीति मेलों से निकाल के किसान की झोपड़ी के अंदर लाने का काम आपका है। हमारा काम तो आज 6 बजे तक आपके बीच वोट की अपील करने का है। किन मुद्दों पे आपके बीच आए वो बात हमने आपको बता दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किन मुद्दों पर लड़ रही है, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि उदयलाल जी अगर जीतते हैं तो राजस्थान की सरकार के अंदर इतनी तो इनकी चलेगी चलेगी, लेकिन दिल्ली की सरकार से भी आपका एमपी तो मिल पाता कि नहीं मिल पाता मुझे पता नहीं, लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, मेरा मन हो तो चाहूं नहीं तो नहीं चाहूं, अगर चाहे तो प्रधानमंत्री से मिलकर उदयपुर और बल्लभ नगर के अंदर बड़ी दिल्ली की सौगात दिलाने का वचन देके आपके बीच जा रहा हूं। भाइयों में वीर तेजाजी महाराज के प्रांगण के अंदर यह भी आह्वान करके जा रहा हूं, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गुजरी की गायें बचाने के लिए
अपने प्राण न्योछावर कर दिए और अपना वचन निभाया। जिस तरह भगवान श्री राम वचन के पक्के थे, उसी तरह वीर तेजाजी महाराज भी वचन के पक्के हैं। मैं भी उसी इलाके से आता हूं, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। जिस तरह तेजाजी ने गाय के साथ किसान कौम की रक्षा की, हनुमान बेनीवाल उदयलाल डांगी मिलके मेवाड़ की राजनीति के अंदर किसान कौम को आगे लाने का बीड़ा उठाएंगे। भील समाज और ट्राइबल के हमारे जितने भी भाई हैं, उनको उनका राजनीतिक हक दिलाऊंगा। भाइयों, जातियां तो बहुत है राजस्थान के अंदर, लेकिन उनका विधायक नहीं बनता, उनका सांसद नहीं बनता। और जिन जातियों की आवाज विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं उठती, उन जातियों की गणना नहीं होती है। इस बात को भी आप अच्छी तरीके से सोच लो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं मेरे भाइयों का साथ चल के, हाथ पकड़ के विधानसभा और लोकसभा तक लेके जाऊंगा। भाइयों, जोधपुर की धरती से बड़े आंदोलन की शुरुआत आने वाले समय के अंदर करेंगे। 5 से 10 लाख लोग जोधपुर में इकट्ठा होंगे। कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, कानून का राज, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त राजस्थान। मैं भरोसा दिलाता हूं कि उदयलाल जी की जीत के बाद पूरे देश के अंदर नौजवानों के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। राजस्थान का जवान और किसान टकटकी लगा के बल्लभ नगर की ओर देख रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि अगर बल्लभ नगर जीत गए, सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गए, तो 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर फतेह करेगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और मेरी पार्टी अगर सत्ता के अंदर आती है तो सबसे ज्यादा ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेरे भाई और तमाम समाजों के मेरे भाई, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मेनारिया समाज के रोशन जी, उप प्रधान जी को, देवीलाल जी जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और हमारे मीणा जी जो कुरौड़ पंचायत समिति के प्रधान है। ये सारे SC ST और ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उदयलाल जी ने इन सबको एक नई परिपाटी तय करी कि इनको मैं यहाँ प्रधान उप प्रधान बनाऊंगा। बीजेपी की टिकट कटने का यह भी बड़ा कारण है। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि उदयलाल डांगी गरीब तबके को जगाने का काम क्यों कर रहा है, ये नई याद इनको क्यों दिला रहा। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि उदयलाल जी के साथ जिस तरह प्रधान उप प्रधान आए, इनको कांग्रेस पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस ने मेरे किसी कार्यकर्ता को डराया तो मैं अशोक गहलोत को डरा दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। और बीजेपी के लोगों ने अगर डराया तो मैं लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को डरा दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। और तीसरे तो कोई मुझे डराने वाले लगे नहीं। भाइयों, एक गवरी नृत्य जो भील समाज सवा महीने साल के अंदर सवा महीने गवरी नृत्य करता है, आज तक इस गवरी के कलाकारों को न तो पेंशन की सुविधा मिली, न इनको कोई मान सम्मान मिला। मैं भरोसा दिलाता हूं कि गवरी के कलाकारों को भी पेंशन की व्यवस्था कराएंगे, मान और सम्मान दिलाएंगे। आप निश्चिंत हो जाएं, तमाम समाज यहां बैठे भाइयों, आपका आह्वान करता हूं कि राजस्थान के माथे पे जो अपराध का टीका कलंक वसुंधरा गहलोत ने लगाया, हमारा राजस्थान शांत राजस्थान अपराध में 25वें नंबर पे था, आज 1 नंबर पे आ गया। अगर कोई जिम्मेदार है, गहलोत वसुंधरा जिम्मेदार है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उदयलाल जी की जीत के साथ बिगुल बजाएंगे राजस्थान के अंदर, गांव गांव ढाणी ढाणी जाके यहां लोगों को मजबूत करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बेमुक्त राजस्थान करेंगे। और ये राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है, इस कलंक को मिटाने का काम भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर करेगी। भाइयों, हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक और 1 मैं सांसद हूं, 2 विधायक मेरे शेड्यूल कास्ट से आते हैं 3 में से, और प्रधान भी 5 में से 2 शेड्यूल कास्ट के मेघवाल समाज से आते हैं। मेरी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। और जब देश के किसानों को तकलीफ पे पड़ी, तकलीफ पे थे, और देश के किसानों ने कहा कि हनुमान जी आप हमारी मदद करो, आप अगर NDA छोड़ के शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दो तो किसानों की मांगे मानी जाएगी,
प्रधानमंत्री जी पे प्रेशर पड़ेगा। भाइयों, किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारी और देश के अंदर अगर कोई सांसद सड़क पे बैठा तो 2 महीने तक नागौर का सांसद किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई शाहजहांपुर बॉर्डर पर लड़ रहा था। भाइयों, अभी भीलवाड़ा के अंदर जब उपचुनाव थे, उस उपचुनाव के अंदर कल बदल जी को भीलवाड़ा में कल और घटना हुई क्या? हाँ, भीलवाड़ा के अंदर उपचुनाव थे पिछली बार छाड़ा में, तभी बदमाश आते हैं AK-47 से गोलियां चला के किसान के बेटे 2 सिपाहियों की निर्मम हत्या कर देते हैं और जो थानेदार वहां से भाग जाते हैं उनको इनाम दिया जाता है, अच्छी जगह अश्वत्थ लगाया जाता है, और जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या की वो आज तक नहीं पकड़े गए। कहां है कानून का राज राजस्थान के अंदर? मैं पुलिस के अधिकारियों से जब जोधपुर के अंदर एनकाउंटर हुआ तो मुझे पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे थे कि आप क्यों पीछे पड़े हो, ये तो बदमाश था। तो मैंने कहा बदमाशों की मारने की ताकत है क्या आपके अंदर? अगर है तो जिन्होंने आपको मारा उनको मार के दिखाओ। इस गरीब वाल्मीकि समाज के बच्चे की क्यों हत्या की आप लोगों ने, अपराध क्यों लिया बताओ, कौन सा गैलेंट्री मिलेगी? भाइयों, आज फिर गत रात रायला भीलवाड़ा में तस्करों में पुलिस की मुठभेड़ में कांस्टेबल इसाक की मौत के समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से, और थानेदार और दूसरे भागते हुए घायल हो गए, वो भी भागते हुए घायल हुए, ऐसे नहीं पीछा कर रहे थे, जब गोली चली ना इस दिशा की ओर भागे, घायल हो गए, पड़ गई गाड़ी। ये राजस्थान की हालात है भाइयों। यह TSP का जो बजट है, यह TAD का बजट है, यह बजट सही समय पे मेवाड़ के इन इलाकों के अंदर नहीं आता, और आता है तो भी नेता और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं उस बजट को। मैं विश्वास दिलाता हूं कि TSP और TAD का जो भी बजट है वो पूरे इलाकों के अंदर मजबूती के साथ आएगा। यहाँ के विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने मंदिर शमशान की जमीनों पर कब्जे कर लिए, सड़कों की हालत बहुत खराब है, और अभी राजस्थान के अंदर हम कोरोना की मार से बाहर नहीं आए, उससे पहले डेंगू का प्रकोप राजस्थान के अंदर है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फोटो रोज छपवाते हैं चिकित्सा मंत्री गहलोत की फोटो आती है, और ये आपके हमारी ताकत संघर्ष का ही परिणाम था कि अशोक गहलोत को दोबारा सभा करने के लिए कल कुरावड़ के अंदर आना पड़ा, ये आपके संघर्ष का ही परिणाम था। और BJP के नेता गली गली ऐसे घूम रहे जैसे आवारा सांड घूमते हैं गलियों के अंदर। भाइयों, ये हालत भारतीय जनता पार्टी की है। मेरे से गाडोलिया लुहार समाज के लोग मिले, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान था, और आपने प्रण लिया था कि हम गांव गांव जाएंगे, हर जगह इस समाज के साथ, सरकार न्याय नहीं करती। यहाँ के जो लुहार समाज के मेरे भाई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गाडोलिया लुहार समाज को पट्टे भी मिलेंगे, इनको सारी सुविधाएं भी मिलेगी, और इनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, अफसर बने, कलेक्टर SP बने, हमारे OBC के बच्चे आगे बढ़े, दलित ट्राइबल के बच्चे आगे बढ़े, तमाम समाजों को हनुमान बेनीवाल आश्वस्त करके जा रहा है, जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, यह भरोसा दिलाने में आपके बीच आया हूं। भाइयों, ये जो पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के अंदर भूत गहलोत और भूतनी वसुंधरा दोनों को बंद करके बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाकर डाल दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इसके लिए आपको 30 तारीख तक इसी तरह लगना होगा, हर व्यक्ति 2 वोट लेके आएगा, 3 वोट लेके आएगा, अपन चुनाव जीत रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि आज जाके सो जाएंगे, वो जीत गए सो गए, तो वोट लोग निकाल लेंगे, सत्ता का दुरुपयोग भी होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई तंग करे मेरा नंबर घुमा देना, हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, मैं तो यही घूम रहा हूं यहां पे, है ना। अभी जनसंपर्क आज 6 बजे तक आचार संहिता लग जाएगी,
मेरी इच्छा है कि पिंडर के अंदर उदयलाल जी के साथ तीनों विधायक पार्टी के, पुखराज जी पार्टी के तीनों विधायक उदयलाल जी के साथ, बाकी इनके समर्थक जो भी गाड़ी घोड़े लेके और बिंडर के अंदर एक राउंड काट के हाथ जोड़ के राम राम करके आ जाएंगे। बाकी तमाम इलाकों के अंदर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गया हूँ। मैं उदयलाल जी को ये कह रहा था अभी, मैंने कहा उदयलाल जी मैं जितना आपके चुनाव में घुमा हूँ मेरे चुनाव में तो घुमा ही नहीं कभी इतना। अब भी आप निश्चित रहो जीत अपनी होगी। जो बे और खौफ का वातावरण इन पार्टियों ने मेवाड़ के अंदर भ्रम जाल फैला रखा था वो खत्म हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी गरीब आदमी किसान की पार्टी है और भयमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान के अंदर सरकार राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। किसान पुत्रों अगर अब भी 70 साल बाद आप ये राजा साहब रानी साहब महाराणा साहब महारानी साहब यही करते रहोगे तो फिर इस आजादी का क्या मतलब। हमारे आजादी के आंदोलन के अंदर जिन किसान के बेटों ने देश को आजाद कराने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी अपने प्राण न्योछावर किए उनकी आत्मा रोती होगी जब आज भी हम गुलामों की तरह जीते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि जब ये राजा महाराजा प्रचार में निकलते हैं 80-80 साल के बुजुर्ग उनके पैरों में पड़ जाते हैं, ये कौन सी व्यवस्था है। व्यवस्था भाइयों दोनों हाथ खड़े करके बोलो उदयलाल जी डांगी को भारी वोटों से जिताना है। बोतल का चुनाव चिन्ह है, हर आदमी यहां से जाने के बाद अपने गांव जाएगा, गांव के अंदर भी पहरेदारी करनी है और एक एक वोट जो बाहर है उसको भी लाना है। उदयलाल जी की जीत एक नया इतिहास बनाएगी और उदयलाल जी की जीत से मेवाड़ की राजनीति के अंदर एक किसान राजनीति का नया उदय होगा। यह आह्वान करने आपका भाई आपके बीच आया है। अब मैं भोपाल